वेलकम बैक जी. आप इस वक्त ट्रांसमिशन देख रहे हैं निकलो पाकिस्तान की खातिर जनरल इलेक्शंस 2024. ये तवील दौराने की ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है. जो पिछला हमारा एक घंटा था उसके आखिर में एक सवाल के ऊपर हमने इसको कंक्लूड किया था, उधर से ही आगे लेके चलते हैं. हसन अयूब साहब, आप ना बहाने से हर कैंडिडेट से पिंडी के बारे में क्यों पूछते हैं कि उधर पॉलिटिकल पोजीशन क्या है? अपने बड़े भाई से पूछ. नहीं नहीं, आपने उनसे फयाज चौहान साहब से भी पिंडी का पूछा, पिंडी कनेक्शन. अच्छा, जो गेस्ट आता है पिंडी, रावलपिंडी से है ना? कॉन्स्टिट्यूएंसी का सवाल. मैं भी रावलपिंडी से हूँ, काशीवासी साहब भी रावलपिंडी से है. सर, मरी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है ना, मैं भी तो गोड़ा से हूँ. वैसे इस्लामाबाद पहले अपनी पोजीशन वाजे करें, आप मेरा तो पूछते हैं. मैं तो कल पूछने लगा था डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से भी कि क्या पारा उनके हल्के में आता है. मैं तो वही पूछने लगा था. अच्छा, पहले वो मैंने नहीं पूछा. पिंडी में नहीं मान लो क्या बराबर? आप पूछ सकते हैं. मुझे मुझे तसल्ली बख्श, तसल्ली बख्श. पिंडी का क्या, बार बार क्या पॉलिटिक्स की वहां के बारे में बड़ा आपका की नहीं? वो असल में ये सारी जिंदगी इनका ब्रॉट अप है रावलपिंडी का. तो रावलपिंडी की जो पॉलिटिक्स होती है बड़ी मैटर करती है. और उस हवाले से वो शेख रशीद साहब है, हनीफ अब्बासी साहब है, बड़े बड़े नाम है ना रावलपिंडी से. और चौधरी उनका नाम है जी, गुलाम सरवर खान है उनको. चौधरी तो सब लोग कहते हैं, वो चौधरी नहीं है जी. अच्छा, खटड़ कास्ट है उनकी. और वैसे आप काशिफ अब्बासी साहब से मैं सुनना चाह रहा हूँ, कान तरस गए हैं, सुना दे. खामोशी बहुत ज्यादा हो चुकी है. खरी खरी के अलावा? हाँ, खरी खरी के अलावा. देखिए, मैं आप पिछले दो इलेक्शन देखे, नॉर्थ पंजाब तरीके इंसाफ ने लार्जली जीते हैं पिछले दो इलेक्शन. और 9 सीटें शायद 13 में से लास्ट टाइम जीते थे, उससे पहले भी दे डू वेल इन नॉर्थ पंजाब. चले शुरू करते हैं पिंडी. अगर करना है तो अटक से शुरू करते हैं. अटक से पिंडी आना या मरी से शुरू करके पिंडी आएंगे? मरी से स्टार्ट करते हैं. मरी से शुरू करते हैं. आपके होम ग्राउंड से? मेरा होम ग्राउंड. होम ग्राउंड है. देखिए, 8 फरवरी को क्या होगा ये मैं नहीं जानता जी. और उसकी वजह ये कि बहुत से डायनेमिक्स ऐसे जो हमें यू नो यू डोंट नो कि 8 फरवरी को क्या क्या होगा. ठीक है, इस वजह से उस दिन के वाकयात बहुत असर डालेंगे कि इलेक्शन का नतीजा क्या निकलता है. उसामा का पहला इलेक्शन भी है? उसामा का पहला इलेक्शन से पहला इलेक्शन नहीं है, वो मरियम औरंगजेब साहिबा का कैंडिडेट है. चचा नाराज नहीं है उनके, अपने चचा ने पीएमएलएन छोड़ी. शायद खाकान अब्बासी साहब बड़ा एलिमेंट है जो नाराज हैं. राजा जफरुल्ला एक और बड़ा एलिमेंट है जो नाराज हैं. बिल्कुल. मरी से अगर उन्होंने साइजेबल, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, साइजेबल लीड अगर ना ली, बहुत साइजेबल, तो इलेक्शन बड़ा मुश्किल हो जाएगा. कोटा और लकी क्या नाम है, कोटली सतिया से अगर वोट निकाल के, लतासुब सती साहब क्योंकि हैं कोटली सतिया से, अगर वोट निकल आए और इंटरनल लड़ाई कवर ना हुई तो मरी मुश्किल में है. मुश्किल में. 12,000 की वोट से सदाकत अब्बासी लास्ट टाइम जीत गए थे. जी जी. इस बार भी यू थिंक पीटीआई यूनिफाइड, एक यूनिफाइड शायद खाकान अब्बासी साहब की कैंपेन थी ना, एक यूनिफाइड कैंपेन. यहाँ पर तो अपने घर के लोग भी नाराज हैं, अपने चचा नाराज हैं तीक सरवर साहब, जिनका ख्याल था कि टिकट उनको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ी है मुस्लिम. लेकिन इश्फाक सरवर साहब भी तो सारी जिंदगी मतलब रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज भी रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल पंजाब बड़ा तगड़ा है तो उनका. नहीं, मेरा तो सारों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है. मैंने भी ऑनेस्टली टेल यू, शायद इश्फाक साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा, शायद साहब मेरा तो इलाका गाँव है, तो मेरी तो उन सबसे बहुत अच्छे ताल्लुक. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्योंकि आपस की घर की लड़ाई है, इस पे तो कोई शक नहीं है. मुकाबले में जो सती साहब है, अतीक सरवर क्या हमेशा इश्फाक साहब के साथ हल्का वही देखा करते थे. सो इनका अपना भी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होगा, जो भी होगा हालात का. क्या राजा जफरुल हक साहब कोटा से एक अहम एलिमेंट नहीं रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के? हार जाते इलेक्शन को नहीं जीते, अभी भी साथ है. अली उनका बेटा भी मतलब ही इज डूइंग ओके. क्या कर रहा है, मतलब कुछ ज्यादा मुखालफत तो नहीं कर रहा मतलब. लतासुब सत्ती भी छोटी सीट जीते थे पिछले इलेक्शन के अंदर, एमपीए थे पहले, अब एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं. ऊपर की टिकट अगर नीचे का उम्मीदवार बेहतर देते ना तरीके इंसाफ वाले, जैन इज अ यंग गाय जो एमपीए का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो सरदारों में उनमें जाता टिकट तो मेरा ख्याल है कि बेहतर हो जाता तरीके इंसाफ, आसान हो जाता सीट. मरी हो लास्ट टाइम तो से रुक के सरवर साहब को हटा दिया था, क्योंकि कमर जमान कहरा साहब है हमारे साथ जरा उनसे बात. हुजूर सर, पहले तो एक सवाल शुरू में कि आप की जाहिर है वैसे मुल्क गिर है, आपकी शोहरत और सारा कुछ है, लेकिन जाहिर हल्के की सियासत में आपको बड़ा चैलेंज रहता है. शायद पीपल्स पार्टी की अपनी जो पंजाब में पोजीशन है वो एक सबसे बड़ा आंसर होती है कुछ भी. तो इस दफा कितने उम्मीद है कुछ अपने हक में नतीजे के? जाहिर हिस्टोरिकली वो आपके हक में नतीजा नहीं आया माजी करीब, कम से कम पिछले दो इलेक्शन हारे हैं, तीसरी पोजीशन पे आए थे कायरा साहब, मगर इस बार गालिबन कायरा साहब आपकी बेहतर पोजीशन है, गुज्जर वोट सारा इकट्ठा हुआ है. मैं ना गुज्जर वोट पे यकीन रखता हूँ ना जट वोट पे यकीन रखता हूँ, मैं तो पाकिस्तान के अवाम से वोट मांगता हूँ और एक असूल की बुनियाद पे वोट मांगता हूँ और अपनी खिदमात और अपने हवाले से. मैं किसी के मुखालफ के खिलाफ बात नहीं करता,
मैंने इस पूरे इलेक्शन में ना किसी जमात का जिक्र किया है ना अपने किसी मुखालिफ का। मैंने तो ये कहा है मेरी खिदमत देख लो, अगर समझते हो मैं इस काबिल हूँ कि आपकी खिदमत कर सकता हूँ, आपकी नुमाइंदगी कर सकता हूँ, मुझे मौका दे। नून लीग के जाफर इकबाल साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे, वो अपनी जमात के साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं रहे। दो इलेक्शन के अंदर मेरे मद्दे मुकाबल थे, पहले दो इलेक्शन वो मेरे साथ ही थे, लेकिन उस वक्त वो मुस्लिम लीग में नहीं थे, वो जमात इस्लामी में थे आई बिलीव। जी वो जमात इस्लामी में या जमीयत में रहे हैं? जमात इस्लामी में थे, फिर इंडिपेंडेंट लड़े, एक तरह की एडजस्टमेंट थी। अच्छा कारा साहब, लास्ट इलेक्शन में चार गुजरात की सीटें, उसमें से तीन PMLN और एक PTI ने जीती थी। अब जाहिर है चौधरी खानदान के दरमियान आपस में वो लड़ाई चल रही है, आप वहां पे खड़े हैं, तो ये चार सीटों की अगर मैं तकसीम आपसे पूछूं, आपकी नजर में आपकी असेसमेंट क्या है, किस तरफ जा रही है? मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है कि मैं आपकी तरह, आप एनालिस्ट हैं, आप इसका तजिया इस तरह कर सकते हैं, मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं इसको इस जाविये में तजिया दूं। मैं आपको अपनी क्या कहूंगा, ये तो आप फैसला कर सकते हैं, मैं तो कहूंगा मैं जीत रहा हूं। इसी तरह बाकी सीटों के ऊपर भी चौधरी साहब आन के साथ उनकी फैमिली को, सालक साहब को एक एज हासिल है, लेकिन नॉमिनेशन जो है या उनकी अहलिया के नॉमिनेशन है वो एक्सेप्ट हुए हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि उनका वोट किस तरह टर्न होता है, किधर जाता है। इलेक्शन के अंदर उस तरह की प्रेडिक्शन बड़ा आसान काम नहीं है, लेकिन मैं एक बात में तसल्ली में हूँ कि मेरे हल्के के लोगों ने जो मुझसे नाराज दोस्त थे वो बहुत बड़ी तादाद में वापस आए हैं और उन्होंने दोबारा मेरे साथ मेहरबानी की है, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। तो इस वक्त एक बड़ी अच्छी फिजा में मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बाकी आप क्षेत्र अपने लेकिन कायरा साहब, ये चंद साहब जो बात करते हैं, चौधरी मंजूर साहब बात करते हैं, वो पंजाब के वाले से बात करते हैं, तो आप कह रहे बेहतर माहौल में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका तजर्बा मुख्तलिफ है, तो क्या ये इंडिविजुअल मुख्तलिफ तजर्बा है या ये पीपल्स पार्टी का ज्वाइंट तजर्बा है पंजाब में, उनका बिल्कुल मुख्तलिफ है एक्सपीरियंस इलेक्शन का आपसे? देखिए वो जो तजर्बे की बात कर, वो तजर्बा बिल्कुल सब जगह पे है। मैं तो ये जिक्र कर रहा हूँ कि मेरे साथ इस वक्त जो मेरे साथ दोस्त नाराज थे वो मेरे साथ वापस आए हैं, उन्होंने मेरे साथ आके रीज्वाइन किया, एक बड़ी तादाद में ज्वाइन किया है। वो जो बात कर रहे हैं वो है रियासी मदाखलत की, वो है किसी एक जमात को एज देने की। वहां पे जो रियासी मशीनरी है वो हमारे यहाँ भी ऐसा है और विजिबली ऐसा है। सर सैयद फैजुल हसन शाह छोड़ गए तहरीके इंसाफ, 2018 में जीते थे, मगर इस बार सिंधु साहब आपके मदे मुकाबले मुस्लिम लीग नून से, कांटे का मुकाबला लग रहा है आपको या वॉक इन द पार्क? जी आपका सिंधु साहब से मुकाबला सख्त है या आपके लिए आप समझ रहे कि मुकाबला आसान है, कुछ ज्यादा मुकाबला नहीं बन रहा अभी आपका? देखिए जी मैं इसके बारे में मैं फिर वही सवाल करूंगा, मैं कहूंगा कि मैं खुद अपना तजिया मुनासिब नहीं है कि मैं करूं। सिद्धू साहब इस वक्त सिद्धू साहब जो है वो अच्छा चलो इसी सवाल करना चाह रहे हैं, सात सीटें पिछले इलेक्शन में आई थी ना पंजाब से। एक मिनट जरा ठहर जाइए इस बार कितनी, आप चार पांच एंकर बैठे हैं, आप नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सर आप एक ही काफी है सबके लिए, थैंक यू। लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, फैजुल हसन शाह साहब पिछली दफा PTI में थे, उन्होंने PTI छोड़ दी जी, उनके भतीजे जो हैं वो PTI में हैं, वो PTI के कैंडिडेट हैं, वो इलेक्शन अपना लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लड़ नहीं रहे। दूसरी बात वो उनके सगे भतीजे हैं छोटे भाई के और वे एक ही फैमिली है, कोई उनमें इख्तलाफ नहीं है, और फैजुल हसन शाह साहब उनकी कैंपेन कर रहे हैं पूरी तरह। दूसरा ये है कि सिद्धू साहब जो है वो मेरे मद्दे मुकाबिल है, एक मुस्लिम लीग का अपना एक वोट बैंक है, उनके साथ MPAs हैं, और यहाँ तासर एक जनरली वो ये दे रहे हैं कि उनके भाई क्योंकि एयर चीफ हैं, लिहाजा उनको शायद कोई मखसूस जो है हमारे, लेकिन मुझे तवक्को है कि ऐसा नहीं होगा। जो भी हो इंशाल्लाह हम परसों एक बहुत आला इलेक्शन लड़के इंशाल्लाह एक सरप्राइज दें। और सर पंजाब से मजमूई तौर पर कितनी सीटें निकालने की इस दफा तवक्को है? नंबर मैंने कहा ना, मैं तो ये कहूंगा सारी जीतेंगे, नंबर कहना जो हम एक्सेप्ट भी कर लें, ये सवाल मैं करता हूँ, ये सवाल मुझसे आपका बनता ही नहीं है। आप किसी भी उम्मीदवार से या किसी जमात के बंदे से पूछें कि आप क्या जीतेंगे, तो वो क्या आपको बताएगा?
ये आप एनालिस्ट से पूछिए। सर हमारे पास एक बेंचमार्क है ना, आपका बेंचमार्क पंजाब का है, पिछले इलेक्शन का ही देख लीजिए, उस बेंचमार्क के मुताबिक ज्यादा काम। बेंचमार्क अपनी जगह है, लेकिन आप मुझसे सवाल करेंगी तो मैं आपको वो जवाब प्रॉपरली नहीं दूंगा। चलिए साहब हुजूर वाला कमर जमान कायरा साहब वेक यू वेल, बाकी आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं, बड़ी स्टैंडिंग है और इनको वैसे भी हल्के हैं, इनमें ना बताएं पूरे मुल्क पर। मैंने तो शुरू ही भी पर यहां से किया कि अभी जो मुल्क की लार्जर पिक्चर या बड़ी स्क्रीन पर अगर हम देखते हैं, आवाज आ रही है ना कमर साहब? जी आ रही है जी। अच्छा तो ये है कि क्योंकि एक बड़ी पार्टी सामने नजर नहीं आ रही, तो इस वक्त तीन फरीक है, नवाज लीग उनका ख्याल है कि हमें कहा गया है कि इस वक्त उनका जो इंटरनल सर्वे है कि वी आर विनिंग अबाउट 100 प्लस माइनस। पीपल्स पार्टी इस वक्त 80 से 100 के दरमियान अपनी सीटें गिन रही है और इतने ही आज़ाद जो हैं वो मार्केट में फिर रहे हैं। तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान में अगली गवर्नमेंट बनाने के लिए आसफ अली जरदारी और उनकी पार्टी अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंट आर इन ए बेटर पोजिशन। डू यू रियली बाय दिस? अच्छा साहब गुजारिश है कि ये तजिया इस हद तक के इस जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है ना, ये कोई पाकिस्तान के लिए मुस्तासन नहीं है। मैं सच्ची बात है इस पे मैं भारी दिल के साथ हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ उनकी जमात के साथ जो हाल है, और वो उनके अपने कर्मों जर्मों का फल है, वो उन्होंने खुद कमाया है, लेकिन जो भी है वो पाकिस्तान के ओवरऑल सियासी कल्चर के लिए या हमारी सियासी जमातों के लिए बेहतर नहीं है, बिल्कुल तयशुदा है। अब सवाल है कि आइंदा क्या होगा, उनके वोटर क्या करेंगे? आइंदा लगता यूं ही है कि कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी और यहाँ पे इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, और इत्तेहादी हुकूमतें चलाना ये पीपल्स पार्टी का ज्यादा खासा है, क्योंकि उसमें जरा आपको अकोमोडेटिव होना पड़ता है, आप ताकत के साथ नहीं बल्कि मफामत के साथ आगे बढ़ते हैं और बाकी लोगों को अकोमोडेट करके चल रहे होते हैं, उनकी राय को उनके नुकता नजर को भी साथ लेके चलते हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी बाकी जमातों से ज्यादा। माजरत के साथ, माजरत के साथ सर, बिलावल साहब ने सबसे पहले ना सिर्फ कैंपेन शुरू की, पंजाब में खसूसी तवज्जो दी है, बावजूद इसके आप फिर भी कमेंट करने को तैयार नहीं है कि सात नशस्तों से ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे, तो ये तो एक अंडर कॉन्फिडेंस की निशानी है, यानी कि फिर उससे तो घाटी लग रहा है आपको जरा सा लग रहा है। आप मुझसे गलत बयानी कराना चाहती हैं तो मैं कर देता हूं, लेकिन मैंने तो आपको ये कहा कि आप किसी भी कारकुन से पूछेंगे, अगर उसकी मुस्लिम लीग से पूछेंगे वो कहेंगे हम 100 सीटें जीतेंगे। आपको लग रहा है पंजे भी नहीं आएंगे? एक सवाल कहरा साहब, ये फरमाइएगा कि आपको पंजाब से कितनी कौमी असेंबली की इंडिपेंडेंट सीट जो है वो नजर आ रही है? ये भी नजर नहीं आ रही। देखिए इंडिपेंडेंट सीट्स का तो अभी असेसमेंट मेरे सामने नहीं है, मैं तो खुद अपने हल्के में फंसा हूँ, तो मैं जनरल सर्वे। चलिए बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कायरा साहब ऐसी चीज पे कुछ कमिट नहीं किया ना, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के ऊपर ना इंडिपेंडेंस के ऊपर ना इस पे पंजाब के अंदर कितनी राना तनवीर साहब, नून लीग से सर वैसा राना तनवीर साहब है, कुछ सवाल पूछना तो पूछो। वेरी सीरियस एंड बिग नेम इन एंकरशिप। बात सुने, हमने बाल सफेद नहीं किए, जो हमने कमर जमान कायरा साहब से पूछता था ना वो पूछ लिया, और जो समझना था वो समझ लिया, और उन्होंने भी पता क्या थी की पूछे तो ही अंडरस्टैंड समझ आ गई। राणा तनवीर साहब उनसे कुछ पूछे ना, राणा साहब मेरे हल्के देने, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्यों मेरे दोस्त है ये तो गुड फ्रेंडली फायर कर दे। राणा साहब हसन अयूब बात कर रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। फ्रेंड है ना। अच्छा राणा साहब, आपसे पहला सवाल तो ये पूछूंगा कि आपके साबिक दोस्त या मौजूदा दोस्त हैं चौधरी निसार अली खान साहब, वो दो हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं और बड़ा ताल्लुक रहा है आपका उनसे, तो आपको क्या लग रहा है इस मरतबा आप उनको दोबारा कौमी असम्बली में देखना चाहेंगे अपने साथ? नहीं, चौधरी साहब बड़े अच्छे आदमी है और बड़ी उनका एक्सपीरियंस है, और मैं समझता हूँ कि उनका असम्बली में होना अच्छा है, लेकिन आप टू पीपल ऑफ दैट एरिया वो क्या फैसला करते हैं, लेकिन सब बिल्कुल पार्लियामेंट्री या जो प्रोसेस रहा है या एक सिस्टम हम चले हैं कि 5 on 1 उनमें ऑलमोस्ट वो सारी समझे हुए हैं सिवाय एक के।
अभी भी रابते हैं आप उनसे? राधा साहब ये नहीं, मेरा रابطہ नहीं है क्योंकि काफी अरसे से मेरा रابطہ नहीं है। राणा साहब, ये जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों से, तो सबका मोर और लेस इस बात पे एग्रीमेंट है कि अक्सरियत नहीं आएगी, एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी इस इलेक्शन के बाद। आपकी भी यही असेसमेंट है? नहीं, मेरा नहीं ये ख्याल। ये जो मैं बातें सुन रहा हूँ आपने, बिल्कुल मैं अभी बात सुन रहा था, आपके कोई कमेंट आपने किया था कि बिलावल साहब के या पीपल्स पार्टी के बयान से लगता है जिस तरह वो हारे हुए लोग नहीं करते कि हम आजाद उम्मीदवारों को लेंगे, कुलेशन बनेगी, वो स्टेसी का कुलेशन बनेगी, हमारे बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। ये तो बिल्कुल वो बयान से रिफ्लेक्शन है उनके स्टेटमेंट जितने भी हैं कि वो हारे हुए हैं, वो डिफीट समझ गए कि हम नहीं जीत सकते। लेकिन हमारा ख्याल है कि हम वाजिया अक्सरियत लेंगे और इंशाल्लाह ताला लेंगे, और हमने कभी भी नहीं बात की कि हम कोलिशन बनाएंगे। राणा साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन अगर आप वाकई में वाजिया अक्सरियत लेंगे तो फिर आईपीपी से इत्तेहाद, फिर इंडिपेंडेंट्स को अपनी तरफ लेकर आना, फिर एमक्यूएम से बातचीत, अगर वाजे अक्सरियत हो तो फिर तो ये ऑटोमेटिकली लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे ना, फिर तो ऑटोमेटिकली आप एक अट्रैक्टिव फोर्स होंगे कि ये वाजे अक्सरियत लेकर आ गए, अब इनके साथ ही जुड़ना बेहतर होगा। लेकिन बहुत अरसे से हम देख रहे हैं ये जोड़ तोड़ की सियासत ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी पीएमएलएन ने, उससे तो ये तासुर भी आया था कि पीएमएलएन भी कोई कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी जीत पर, उनको भी कोई खास भरोसा नहीं है। नहीं, मैं बात बताऊं, ये हम बड़े वाजे हैं, क्लियर हैं इसमें कि हमें वाजे फ्री मिलेगी और हम गवर्नमेंट बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन साथ ये भी है कि हमें, हम ये चाहते हैं कि सब गौन बोर्ड लेके चले, क्योंकि इसमें जरूरत है पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। इकोनॉमिक प्रोग्रेस तभी हो सकती है जब स्टेबिलिटी आए, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी लोग उसमें शामिल हो, हमेशा अक्सरियत हमारी रही है और हमने बहुत सारे लोगों को साथ चलाया है पहले भी, ये आपको पता होगा, इसलिए नहीं चलाया कि हमारी अक्सरियत नहीं थी। या अच्छा, राणा साहब दिखावे के लिए ही आप कराची का चक्कर लगा लेते हैं, सिंध के अंदर एक छोटा मोटा जलसा ही कर लेते हैं, आपकी क्यादत में से किसी ने सिंध का कोई रोक ही नहीं किया ना, मतलब ना नवाज शरीफ साहब, ना शहबाज शरीफ साहब, ना मरियम साहब, एक आध जलसा तो मेरे ख्याल में कराची बनता था, कराची डिजर्व करता था। लेकिन मैं समझता हूँ ये बात आपकी दुरुस्त है, हमने बहुत पहले समय इस पे काम करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ बड़ी वो कहता है मिट्टी बड़ी खेज है, वहाँ पे पोलिटिकल वो वैक्यूम है इंटीरियर सिंध में भी और कराची में भी। पीएमएलएन एक टाइम पे बहुत बड़ी जमात थी सिंध से भी, तो वो मेरा ख्याल है कि हमें जो विड्रॉल थी हमारी वहां से, वो किसी तरीके से भी मेरा पॉलिटिकली हमें उसका फायदा नहीं हुआ। बल्कि इस वक्त बात ठीक है, अगर हम ना इस तरह होते वहां कल्टिवेट किया होता, वहां पॉलिटिकल काम किया होता, तो आज हमारी इंटीरियर सिंध में बहुत अच्छी पोजीशन होती। राणा साहब, आप अगर कह रहे हैं कि सिंपल मेजोरिटी है, तो सिंपल मेजोरिटी से आपकी तकरीबन कितने नशिस्ते मतलब है, यानी नेशनल असेंबली के अंदर What is the aim of PMLN के इतनी नशस्तें हम लेंगे और इतनी तो कम से कम भी कंफर्म है? देखिए, मोर देन 100 हम पंजाब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी सूबों से भी हमें मिलेंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो आएगा, हमारा ख्याल है कि हम बिल्कुल 200 तक पहुंचेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सिंध से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं राणा साहब? एक मिनट, सिंध से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं राणा साहब? इनसे हमें मिल जाएगी सीटें, मिल जाएंगी के बलोचिस्तान से, मिल जाएगी के पी के से, मिल जाएंगी, और फिर आप उनका नंबर क्लियर नहीं है राणा साहब, सिंध का, के पी के, बलोचिस्तान का नंबर क्लियर? जिस तरह आपने कहा ना, पंजाब से 100 तो मिल ही जाएंगी, सिंध, के पी के, बलोचिस्तान के नंबर? लेकिन मैं एग्जैक्ट बात नहीं बता सकता, लेकिन के पी के में और बलोचिस्तान में हमारी बहुत में काफी सीटें मिलेंगी, लेकिन हमें थोड़ी सी मिल जाएंगी। राणा साहब, ये फरमाइएगा कि अगर पंजाब में आप समझ रहे हैं कि आपकी जो है वो पार्टी बड़ी इजीली अपनी गवर्नमेंट बना लेगी, तो फिर वज़ीर-ए-आला पंजाब के हवाले से देखें ना, प्राइम मिनिस्टर का तो आपने कह दिया नवाज शरीफ साहब है हमारे उम्मीदवार, तो वज़ीर-ए-आला पंजाब का उम्मीदवार कौन है? आप देखिए, ये पीएम नवाज शरीफ साहब और पार्टी फैसला करेगी, अभी तो किसी का फैसला नहीं हुआ, लेकिन एक चीज है उसके बाद फिर जब 12 बजे के बाद कैंपेन खत्म हो जाएगी तो फिर हल्का वाइज भी जरा जायजा लेंगे अगले एक आध दिन में। अभी हम एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे हमारे साथ।
जनाब मेरे एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं और अभी आम इंतखाबात की, आम इंतखाबात 2024 की जो इंतखाबी मुहिम है उसके कुछ बस आखिरी कुछ टाइम चल रहा है, रात 12 बजे इस इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम होना है और ऑफ कोर्स 8 फरवरी को वोट पड़ना है। एक जनरल सवाल कर लूँ अगर काशिफ आपसे, तजिया ये दे रहा है अंदाजा एनीबडीज़ गेस, क्या वोटर टर्नआउट क्या लगता है, कितना अंदाजा? देखिए मुझे तो लगता है वोटर टर्नआउट ज्यादा होगा, मुझे पिछले इलेक्शन के नस्बत ज्यादा होगा। ज्यादा से मुराद कंपेयर नहीं करें, दुक्का दुक्का परसेंट की बात नहीं कर रहा कि लोग, अगर आप तरीके इंसाफ वालों से बात करें 8 फरवरी को अपना जवाब देंगे, हम जितना होता है इलेक्शन में उससे अबव एवरेज होगा आपके ख्याल में? 45-50% के दरमियान होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक किसी को ये कहते हुए नहीं सुना। पिछले में भी इतना तो इतना ही होता ना, इतना चाहिए जान लेने वही कह रहा हूँ कि जितना होता है आमतौर पर उतना ही आपके इतना ही होता है और इतना ही होगा। अगर इतना भी हो जाए तो फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने एक सवाल पूछना छोटा सा, किससे? हसन अयूब सर, वो मेरे मासूमाना सवाल यार, ये मुझे जरा मुस्लिम लीग नून की 100 सीटें तो पूरी कर दें सर, पूरे पाकिस्तान पूरी कर दूं, पूरे पाकिस्तान से। अब सुबह वाइस चले, सुबह वाइस चले जी। केपी में कितनी ले रही? वो पंजाब में सिर्फ 100 कह रहे हैं। केपी के अंदर एक दो तीन तो उतनी ला सकते हैं। मैं बताऊंगा बस, चार बली जीतेंगे या परवेश खटक जीतेंगे, मतलब खटक साहब तो है ही, खटक साहब का पीएमएलएन से क्या लेना देना, मुकाबला शांगला वली साहब लड़े हैं, वो एमपीए बने थे, क्यों नहीं लेना देना रुशन उशारा का? आपको पता है कैसे बने थे? जैसे खानदान की आपसी लड़ाई में, अब आपको क्या पता कि वो हार रहे हैं? वो एमपीए ना, फिर भी अभी एमएनए एक बार लड़े हैं। सीट्स कितनी है पंजाब से ये बता, केपी से? पंजाब से केपी, केपी केपी पहले केपी के मैं लगाना चाहता हूं, आप लगा ले तकरीबन 8-10। वो 8-10 उम्मीदवार नहीं होने उनके पूरे केपी में? कैसी बात कर रहे हैं? सीटें बता, कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात, किस जगह एग्जिस्ट करती है? सवाई, एबटाबाद, हरिपुर, मानसेरा, शांगला, सवाद, ये अच्छे कैंडिडेट होंगे जिसमें से जीतते सारे नहीं है। सारे आपको किस तरह पता, भी तो नतीजे नहीं आए ना, तो आप ये ज़ूम कर रहे हैं कि वो हार रहे हैं। अच्छा पेशावर वैली से निकाल दें, चार सद्दान और पेशावर से, नौशहरा से कौन सा है? इतार वली है ना, बड़ी सीट पे, छोटी सीट, बड़ी सीट पर है ना, एमएलए की ऊपर है। परवेश खट्टक को भी हराएगा, खट्टक के मुकाबले में है, दूसरे खट्टक को भी हराएगा, मुमकिन है। आपको क्यों लग रहा है कि वो हारे, वो हारेंगे? आपको क्यों लग रहा है कि वो जीतेंगे? नौशेरा में खट्टक का तो अपना इख्तियार वली ने बड़ा अच्छा काम किया है, वो बड़ा हार्ड वर्क सर। मैं आपको एक बात बताऊं, वो के पार्टी के अंदर इख्तियार वली का और जो अमीर मुकाम साहब है उनकी आपस में धड़ेबंदी है, उनका आपस में कुछ ज्यादा, किस किस की? इख्तियार वली एंड क्या नाम है इनका, मैंने कहा 5 सीटें मैंने आपको खींच के पीटीआई दे दी, केपी से 5 ज्यादा ज्यादा शांगला से जीतते आ रहे हैं, इनका भाई जीतता था अभी खुद खड़े हो गए, नहीं तो खुद भाई भी लड़ रहा है, भाई छोटी सीट पे, भाई छोटी सीट पे, बड़ी सीट पे नहीं, वो दोनों सीट से सवाद से भी लड़ रहे हैं और शांगला से भी लड़ रहे हैं। दो मानसेरा की दो दे दी, 4 सरदार यूसुफ अली और नवाज शरीफ अली जी, दोनों 3-4 नहीं, एमपीए 7 ना रला, अच्छा 3 एबटाबाद, आपको पता बड़ा सख्त मुकाबला है इस टाइम, 3-way फाइट है, सरदार मेहताब कर रहे हैं, मेरे ख्याल से क्लीन स्वीप कर रहे हैं, तो नून का वोट बैंक अपना, आपको क्यों लग रहा है कि वो हारेंगे? देखिए सरदार साहब ने विड्रॉ कर चुके हैं ना, सरदार साहब तो किधर से विड्रॉ किया है? जदूनों के हलके से विड्रॉ किया है, इधर से विड्रॉ नहीं किया जहाँ पे मुर्जा जावेद अब्बासी, वहां पर 3 है अली उधर से पीटीआई के टिकट पे, जो जिसने 90,000 वोट पिछले इलेक्शन में लिया था, 1,05,000 के करीब मुर्जा जावेद अब्बासी का, देखे ना पीएमएलएन के लोग कैंडिडेट कर रहे हैं, पता ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि 2018 में पीटीआई ने इतना वोट लिया था तो अब इतना मिलेगा, मुकाबला तो है ना, 2018 नहीं है ना, 2024 है, आप इस बात को क्यों आप कैलकुलेशन के अंदर नहीं कह रहे हैं कि वो जो 2018 में हुआ था 2024 में होगा और उसकी वजह से नून को फायदा होगा? नहीं, मुस्लिम लीग नवाज पिछली मरतबा नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, मरीम नवाज जेल के अंदर थी, इस मरतबा नवाज शरीफ मानसेरा में गए हैं, आपको देखे पूरा सिंध मानसेरा तो दे दी ना दोनों सीटें, मानसेरा में ये तो अब्टाबाद के तो लोग भी वहां पर गए थे ना, खाली कौन सा मानसेरा का इलेक्शन था, वहां पर जो लोग गए हैं, तो जहां मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून जीतेगी, तमाम पर नहीं लेकिन सारी बात है, हारेगी भी और जीतेगी, 5 सीटें दे दें मुझे 95 पंजाब से, 8-10 सीटें आप देख ले केपी में, किधर से कब लिया आखिरी दफा 8-10 सीटें? 8-10 सीट सीएम रहा है साबिर शाह, उनका सीएम रहा है मेहताब वासी साहब, 90s की बात ना करें ना, रीसेंट पास्ट की बात करें, 99 में रीसेंट पास्ट की बात करो, कोलिशन तो बनेगा ना उनका जो गवर्नमेंट में जब आएंगे तो हुकूमत भी होगी मुस्लिम, पंजाब में 141 टोटल सीटें, 141 तो मैनू पहले जवाब दे दो,
किसी पॉलिटिकल पार्टी की इस वक्त वेव है तो वो पीटीआई की है, और किसी की काउंटर वेव है तो वो मुझे पता है। आप तो जोड़ तोड़ और धांधली और अफसरों को और पुलिस वालों को खरीद के अपने रिजल्ट बनाने के चक्कर में हो। आई एम सॉरी, डिबेट इज नॉट गोइंग दी वे इट शुड। आप मुझे पहले जवाब दे, किसी की वेव चल रही है इस वक्त पॉलिटिकल? मुस्लिम नवाज की चल रही है, फेरी वेव और एक कड़ी वेव है। जब तक आप जितना लोग देख लो अपने साहबजादों की सीटें सीटों के ऊपर पक्के नहीं है, इतने बुरे हालात में थे तो तब भी देख ले कितनी भी सीटें निकाली थी पंजाब के अंदर भी वो उनकी नहीं पहली दफा बलूचिस्तान से खुशी से खड़े हो रहे हैं। मौलाना साहब खुद इतने तो ये खान का पीडी नो में के बाद तो पीडीए की जो मकबूलियत थी वो जमीन बॉस हुई है, और अभी भी इनके जो लोग जीतेंगे अभी तो एक यूनिफॉर्म सिंबल के साथ ही वो जमात नहीं है। आप उसको डिस्कस क्यों करते हैं? वो जमात ही नहीं है इलेक्शंस के अंदर। उसके हिमायत पे आपका कैंडिडेट्स की वजह से भी डिस्कस ना करें जी, मेरा मतलब डिस्कशन भी ना करें। हिमायत पे आपका कैंडिडेट्स की वजह से भी करें। बचपन में उनकी वे भी नहीं है, मस्ती करते थे ना तो कहते थे सो जा वरना बहू आ जाए। ये बहू तो डरांदा सा बात है, जब ये फंस जाएगा तब ये चला जाएगा बहू की तरफ। नहीं बहू की तरफ बहू आ जाएगा, बहू आ गया है। देखिए देखिए वेकअप, अगर हम आज भी पीटीआई को ये समझ रहे हैं कि जी पीटीआई मकबूल तरीन जमात है तो मैं नहीं मानता, ये नहीं मानता, माना जरूरी नहीं है। जो पैटर्न चल रहा है पीटीआई का, हसन यू एक मिनट थोड़ी देर के लिए निकाल रहे, जो काशिफ साहब बात कर रहे हैं, देखे इस टाइम दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है जिस तरह बलावल करते हैं कि मुकाबला इस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान, शेर और तीर के दरमियान, अब एक एक पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मतलब जेन्युइनली हैरान कुन है। और राणा तनवीर साहब भी बात मान रहे थे कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, इथे ना बंदा ना बंदे की जात, मतलब टोटली कोई बंदा नाम लेवा ही नहीं है नून लीग का। नहीं बशीर मेहमद साहब लड़ रहे हैं, अच्छा मिठारी सुन लो ना यार, वो भी जीतेंगे ना। अच्छा सुन लो, जीतेंगे हैवी मार्जिन के साथ, जिस जगह नून लीग नजर आए समझो वो जीत गया। अच्छा एक बात होगी, अब आगे चले जो है जो केपी की बात हो रही है, केपी के अंदर इस वक्त सारी दुनिया से पूछ ले वहां पे लड़ाई जिन पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान है, नून लीग वहां पे चंद एक हलकों के अंदर है, वहां पे नहीं है। असल में जो सवाल किया जा रहा है ना, जो हसन जो इसका अवॉर्ड कह रहा है वो ये है कि आपने 141 जो पंजाब की सीटें हैं उसमें से आपने अपनी पूरी करनी है 100 सीटें, 100 सीटों से ज्यादा, वो जो कह रहे हैं कि हम 100 सीटों से ज्यादा ले लेंगे। अच्छा, अभी दो लम्हे के कुछ देखो, पंजाब और सिंध चले सकते हैं, मैं कह रहा हूं अभी चूंकि सेमिनार हमारे साथ थोड़ा सिंध डिस्कस करके दोबारा आते हैं पंजाब में। ये तो लास्ट जब जीडीए बना तब तक 100 सीटें पूरी कर, जब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना अगर से पीपल्स पार्टी ने इंटीरियर सिंध में बहुत सारी सीटें ली, लेकिन फिर भी ये बदीन उन इलाकों में से एक था कि जहां पे जीडीए फहमीद अमरदार साहब ने सीट जीत ली थी। अभी देखते क्या। अस्सलाम वालेकुम फहमीद अमरदार साहब। जी वालेकुम सलाम। पहले तो आपने हल्की के हवाले से बताया, क्योंकि जाहिर है वो आपको बहुत पहले इलेक्शन सिंबल नहीं मिल रहा था और बहुत आगे जाके फिर अदालत से एक फैसला आया तो फिर आप लोग इलेक्शन में उस तरीके से आ सके, तो इसका नुकसान हो रहा है कि वोटर को बताना कि भाई हम हैं ये इस निशान के साथ हैं, ये है सारी चीजें? देखिए हमारा शुक्रिया बताएं सर, सारा काम पीपल्स पार्टी ने खुद हमारे लिए कर दिया। अच्छा, जिस तरह की ये जो उन्होंने हरकतें की हैं कि पंजाब में जाके आप कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे और हमारे लोगों को यूं, यहाँ पे जो वो सिंध में उसका उल्टा कर रहे हैं, तो लोगों को कि प्लीज उनकी इंटेलिजेंस को आप इतना डाउट ना करें कि आप जो चीज वहां कहें और यहाँ आके वही हरकतें करें और लोगों को नजर ना आए। आप यकीन माने कि मैं समझती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मेरा बड़ा सीरियस एक्सीडेंट हुआ, तो मैं जी मेरे रिब्स वगैरह भी फ्रैक्चर थी, तो वो सब चीजें थी कि जिससे लोगों को बहुत ज्यादा सिंपथी और बहुत ये था शौक था कि मैं फौरन हम लोग आए और ये ना हो कि कहीं मिर्जा फैमिली बदीन में ना करे पाए। उसकी वजह से और फिर जिसका इन्होंने मुझे कोर्टों में एक कोर्ट से दूसरा कोर्ट, तो लोग वो सब बीवी के साथ देख चुके हैं, तो उनको आज बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो हरकतें ये मेरे साथ कर रहे हैं जो कभी डिक्टेटर ने या मुखालिफ पार्टीज ने बेनजीर साहिबा के साथ किया। तो मैं भी तो रसूल बाग चढ़ियो साहब करा रहे हैं, ज़दारी साहब करा रहे हैं जी, पीपल्स पार्टी ये उनकी तो रसूल बख्श चांडियो साहब तो क्या चीज है, कुछ भी नहीं होता ना। वो तो पीछे कोई कोर्ट है जो करोड़ों रुपए के 10 वकील खड़े हो जाएं, तो एक 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 से एक बढ़ चढ़ के वकील टॉप के वकील हैं जो इस वक्त करोड़ों रुपया लेते हैं केस का,
वो मुझे पूरा ट्राइब्यूनल से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, तो वो जाहिर है कि कोई हाथ है पीछे जो कर रहे हैं, तो और फिर इलेक्शन कमीशन में मैनेज कर रहे हैं, तो यकीनन ये सब कोई बड़े हाथ थे। लेकिन बहरहाल तो यहाँ के आम लोग बहुत समझते हैं, और जिसकी वजह ये है कि उनको इतना गुस्सा है और रिजेंटमेंट की कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ क्लिप्स डाली भी हैं, आप लोगों को भी भेजी थी, मीडिया को भी भेजी थी, ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स है, ट्रिमेंडस। अच्छा, आपका रसूल बख्श चांडियो और अजीजुल्ला डेरो से मुकाबला है अपने हल्के में इस दफा, फहमीदा साहिबा? जी 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 जी। और आप इस बार भी अपना हल्का रिटेन कर लेंगी? जी इंशाल्लाह, मैं पूरे कहते रही हूँ कि बदीन डिस्ट्रिक्ट और जो पूरे मेरे बेटे भी कर रहे हैं और जिनको हमने सपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि सिर्फ डर ये है कि जिस तरह डीआरओ एंड आरओ इलेक्शन कर रहे हैं और जिस किस्म के हर्डल्स वो यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, पोलिंग स्टेशन उनकी मर्जी से लग रहे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की लिस्ट इन्होंने कल तक नहीं बल्कि आज भी काफी एरियाज हैं जहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, और फिर बात ये सुनने में आती है कि जी इलेक्शन कमीशन के नहीं जी ये तो कोई रूल ही नहीं है, हमें तो डिस्प्ले करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब मनपसंद लोग और जो मुखालिफ है मेरे बेटे के उनके दामाद की ड्यूटियां लगी हुई हैं और ऐसे लोगों की करीबी लोगों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी होंगे, उनके पोलिंग स्टेशन भी वो रखवाएंगे, ये भी उनकी मर्जी है कि जहां हमारे बहुत वोट हैं वहां के बूथ कम कर दें और जहां हमारे ओपोनेंट के वो अच्छा, हैं। डॉक्टर साहब ये तो बात समझ आ गई। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, बहसियत स्पीकर जो आपका जाहिर एक्सपीरियंस है, इस दफा ये बात हो रही है कि काफी ज्यादा तादाद के अंदर जो है इंडिपेंडेंस जो है नेशनल असेंबली के अंदर पहुंचेंगे, तो असेंबली रूल्स क्या कहते हैं? अगर एक अच्छी खासी तादाद एक पार्लिमानी ग्रुप बना के जो हाउस के अंदर रहना चाहती है, तो क्या वो जो 3 दिन का ऑप्शन है कि उसके अंदर आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है या अपना पार्लिमानी ग्रुप बनाना है? अगर एक पार्लिमानी ग्रुप बन जाता है तो उसकी हैसियत क्या होगी? देखिए, जो भी पार्लियामेंट्री ग्रुप बनता है वो बस स्पीकर के पास नोट कराता है और स्पीकर फिर वो डिसाइड करते हैं कि उनका पार्लियामेंट्री लीडर कौन होगा, और उसके मुताबिक फिर उस ग्रुप को अपनी रिजर्व सीट का शेयर भी मिलता है और पार्लियामेंट्री लीडर भी जो है वो रिजर्व सीट इलेक्शन कमीशन देता है, मतलब वो आपने लिस्ट ऑलरेडी जमा कराई भी होती है, ऑल दे हैव टू डू इज के हाँ एग्री करके अकॉर्डिंगली जो उनका भी जो भी शेयर बनता है वो रिजर्व सीट उनको मिलती है, एंड देन उनका इन द पार्लियामेंट आफ्टर ओथ और स्पीकर के उसके पार्लियामेंट्री लीडर उनको मिल सकता है। ये जो क्रॉसओवर अगर होता है किसी और जमात के साथ ये जाते हैं जो आजाद उम्मीदवारान की बात हो रही है, तो एक कानूनी राय ये भी है कि 62/63 की जो क्लॉज है, 63A की जजमेंट भी है उसकी, हाँ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जो तशरीह है उसके तहत जो है इनके लिए कानूनी मुश्किलात हो जाएंगी, क्या ये दुरुस्त है? 62/63 का तलाक होगा इसमें? नहीं देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो कुछ ये इंडिपेंडेंट और ये इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त किया है ये चीज इटसेल्फ गलत है, और जिस तरह पहले वो मेरे भी सिंबल के साथ ये करके कि इंडिपेंडेंट आप लड़ लें यू कर, देखिए मैं एक पार्टी को बिलोंग करती हूँ, मेरी पार्टी का कोई सिंबल है तो इसलिए दे कांट डिसाइड फॉर मी। वन टू, अगर एक दफा कोई इंडिपेंडेंट ज्वाइन करता है, देखिए लास्ट पार्लियामेंट में अली नवाज शाह साहब GDA के सपोर्ट से इलेक्शन जीत कर आए थे और फिर उन्होंने हमारे साथ बैठ के रिजर्व सीट पे सायरा बानो को किया था, तो उसके बाद लेकिन जब वो हुआ प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन हुई और उन्होंने अगर उस दूसरी तरफ दिया तो वैसे तो खैर GDA ने जाहिर है कि कोई वो नहीं किया, और लेकिन अगर यहाँ पे एक दफा आप ऑफिशियली ज्वाइन कर लेते हैं तो वही शायद लागू होगा जो आपके किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद। जो इलेक्शन रूल्स 2014 है उसमें तो जो आपको टोटल जो रुकन मुंतखब होता है उसको 3 दिन का टाइम मिलता है, तो अगर वो 3 दिन में अगर वो करे अपना फैसला कर ले किसी सियासी जमात के साथ जो है शामिल होने का, तो इसके ऊपर क्या मॉरली, तो एक चीज इस बात को साइड पर रखे, जो लीगली उसके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकता है? देखिए, एक तो जहां तक मुझे याद आ रहा है क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में ये था कि दे मे ज्वाइन, इट इज नॉट मस्ट, प्रोबेबली हियर ये है कि दे मस्ट ज्वाइन, शायद वो है बिकॉज आई कांट रिकॉल एट द मोमेंट कि शेल है या मे है। देखिए, अगर शेल है और आपने किसी को ज्वाइन कर लिया तो देन आई थिंक वो
लागू हो जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब क्विक क्वेश्चन, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दो टोक लाया कि अब मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठेंगे, बट डू यू बिलीव दैट इफ पुश कम्स टू शव और अगर हुकूमत साथ बनानी पड़े पीपीपी और पीएमएल इन एक बार फिर इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए जी, बहुत सी बातें हैं, वो पार्लियामेंट में पहले कुछ और कहते रहे कि यही मेरे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यही मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं और बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये जब आप ये कह देते हैं कि ये मेरे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इस सेंटेंस की जरूरत नहीं थी, आप एक अलायंस में थे, बट व्हेन यू आर आउट और आज आप ये कह रहे हैं कि सारी तबाही बर्बादी इन्होंने कर दी, तो मुझे बताइए कि हम क्या एतबार करें? Right, तो आज वो जो भी कह रहे हैं कल क्या कहते हैं, तो ये तो इन सबके स्टेटमेंट्स में तो आई एम रियली सरप्राइज के इतने बड़े सीनियर लीडर्स जो भी हैं कि दे चेंज देयर स्टेटमेंट के हर दूसरे दिन के साथ चढ़ते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। दीन से डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब हमारे साथ ही, देखते हैं एक बार फिर बदीन वो सीट होती है जो इंटीरियर सेंस से पीपल्स पार्टी हारेगी या नहीं। अभी हम इस ट्रांसमिशन में कह लीजिए एक ब्रेक लेते हैं, यानी आप 9 बजे का खबरनामा देखिए, तो फिर इंशाल्लाह रात 10 बजे हम दोबारा हाजिर होते हैं, रात 10 से 12 जब तक के इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होता है। एक ब्रेक लेते हैं, हेडलाइन देखिए।